अरे आज ऐसा फांसा है, ऐसा फांसा है भक्त बनर्जी ने ना कि मजा ही आ गया। अरे हुआ क्या, वो देशभक्त आकाश ने लिखा, अरे वही अपने रवीश कुमार को, रवीश कुमार से बोला इंटरव्यू दे दो। तो मैंने क्या किया ना, वो देशभक्त आकाश को साइड कर दिया। भक्त बनर्जी आ गया, रवीश कुमार को पकड़ लिया, आज जाने ना देंगे। हाँ तो आज एकदम सारे जो सवाल है ना, और ये जो सारा पब्लिसिटी चल रहा है, और ये जो लेफ्टिस्ट का जो एजेंडा है ना, आज हम सारे सवाल पूछ कर डालेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे। प्राइम टाइम इनका मिस हो जाए तो मिस हो जाए, सारे आपके सवाल हैं भक्तजनों, सारे सवाल पूछ के रखेंगे। रवीश जी बोलिए बोलिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप किसके भक्त हैं वैसे? अरे हम देश के भक्त हैं, हम मोदी जी के भक्त हैं, और हम अपने देश के लिए बहुत कुछ, दो चार भगवान लोगों का भी नाम ले लिया। अरे छोड़िए, भगवान की बात नहीं है, हमारे लिए एक ही भगवान है जी। हाँ, संबित पात्रा ने बोला था, हम अच्छा, सब उन्हीं बोलते भी हैं, हम उन्हीं की परछाई हैं। अच्छा, मोदी जी की परछाई हैं हम, ठीक है। और आपसे आज पूरी खबर लेंगे। नर्वस तो नहीं हो रहे ना? देखिए देश में तो खबर ही नहीं है, तो खबर क्या लेंगे मेरी? अरे तो आप इसीलिए तो देश में खबर क्यों होगी, कोई सब सेट है देश में, सब ठीक है, सब ठीक, सब करप्शन खत्म है, सब ठीक है, इसलिए इंटरनेट शट डाउन कर देने की जरूरत। अरे वो दो चार लोगों के लिए, आप लोग अभी आप लोग को सेट करना है बस, वही गड़बड़ है। हाँ। कुछ लोगों का ना इंटरनेट काट देना चाहिए, बस यही काम बच गया है। बाकी तो नौकरी तो आप किसी को दे नहीं रहे हैं, एजुकेशन का आपने भट्टा बिठा रखा है। अरे 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 रुकिए रुकिए, अरे नहीं हम क्यों रुक जाएंगे भाई, आप रुक रहे। अरे सवाल तो पूछने दीजिए, पूछ लीजिए, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल वो पर्स वाला भी पूछिएगा और आम वाला भी पूछिएगा। उसी से शुरू कर रहे हैं, उसी से ही शुरू कर रहे हैं। पहले ये बताइए, पर्स और आम तो हम बाद में पूछेंगे, कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या? नहीं, हम थकते ही नहीं है, थकते ही नहीं है, हमेशा मोदी मोदी मोदी। अरे इतना एंटी गवर्नमेंट क्यों है आप बताइए रवीश? हम तो उनका नाम बहुत कम लेते हैं वैसे तो, और एंटी गवर्नमेंट नहीं है। जो सरकार होती है वो दरअसल वो हमारी अपनी होती है, तो अपनों से सवाल करना, उसका विरोध करना तो है नहीं। ये तो अपनों की अपनी तंगदिली है कि उन्हें पूछने वाला बुरा लगता है। तो कुछ लोग घर में ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, वो पितृपुरुष टाइप से, कि हमसे कोई सवाल क्यों पूछा, हम तो दादा जी है, महान है टाइप से। तो हम उस पीढ़ी के नहीं हैं, तो पूछ लेते हैं सवाल इसमें, लेकिन एंटी वेंटी नहीं है। अरे लेकिन सवाल पूछते हैं, जवाब आता नहीं तो आप आकाश मुझे एंटी कह देते हैं। अरे लेकिन, लेकिन आप भक्तों की समस्या यही है। अरे रवि जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतना आप सवाल पूछते हैं तो उधर से भी आपको पसंद नहीं किया जाता है। अरे भैया पसंद है, वो सारे प्रवक्ता भाग गए, उन्होंने कहा इसका बहिष्कार करो, मुझे कोई जवाब देता नहीं तो मैं क्या करूं, बताइए आप। लेकिन जब वहां से भी आपको लोग पसंद नहीं करते हैं तो आपका भी तो कटाक्ष बढ़ जाता है। नहीं, मेरा कटाक्ष क्या बढ़ गया है बताइए जरा सा, गंगा का पानी बढ़ गया है ना? मेरा कटाक्ष तो पवित्र जल की तरह है ना, वो तो बात घुमा रहा। अच्छा एक बात बताइए। अच्छा देखिए भक्त साहब, ऐसा है कि आप अपने प्रवक्ताओं से कहिए ना कि आया करें, उन्होंने एक बंदे का बहिष्कार रखा कर रखा है, मुझे कहते हैं मैं एंटी मोदी हूँ, बताइए कमाल है। आपको लगता है कि हमारे दुनिया की इतनी बड़ी फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या दुनिया गली से लेकर अमेरिका तक में संगठन है, और उनके प्रवक्ता हमारे शो में नहीं आते, तो आपको लगता है हमारे फिर कहते हैं डेमोक्रेसी है? आपको लगता है हमारे संबित जी आपसे डरते हैं? डरते हैं या नहीं है वो तो मुझे नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मेरा बहिष्कार करते हैं रवि जी। तो उनका अपना पर्सनल प्रॉब्लम होगा। आपको देख के जब हम टीवी पे देखते हैं तो एक अजीब किस्म की फकीरी दिखती है आप में, माने आपको लगता है आपको कुछ नहीं, लेकिन मैं झोला लेके कहीं जाने वाला नहीं हूँ, वो आप फकीर फकीर से मतलब वो मत समझिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ चिंता नहीं रहती, आप इतना बोलते हैं अरे नौकरी वोकरी कुछ तो सोचा करिए। देखिए नौकरी इस देश में इतने सारे लोग बेरोजगार है ना, लाखों लोगों की नौकरी जा रही है, तो नौकरी जाती है, वो जिंदगी की तरह है, जैसे आप दुनिया में आते हैं और फिर चले जाना पड़ता है, तो नौकरी आती है फिर नौकरी चली भी जाती है, तो उसका कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए उसको बहाना बना के हर समय डरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये तो सामान्य काम है, तो हमारा अपना काम है। अब क्रिकेटर को बोले तुम छक्का क्यों मारते हो यार, रन क्यों बनाते हो, तो जर्नलिस्ट का काम है पूछना, तो पूछते रहो। अरे रवीश जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ सवाल मत पूछिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना जो पूछते रहते हैं, अरे कभी कुछ अच्छा भी बोल दीजिए। आपका जो ये जो ये लेफ्टिस्ट चीज होता है क्या कि सवाल पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो, ये नहीं, नहीं एक मिनट नहीं, हंसने वाली बात नहीं। देखिए हम है भक्त, हम है भक्त, नहीं नहीं क्या है फिर आप बताइए, आप ही सशक्त हैं, आप ही भक्त हैं, आप ही नहीं तो आप ये लेफ्टिस्ट का एजेंडा होता है, इतना सवाल क्या होता है, इतना सवाल क्यों पूछे जाते हैं बताइए। ये लेफ्टिस्ट का तो एजेंडा नहीं है, ये तो राइटिस्ट का एजेंडा है कि जवाब नहीं देना,
तो मैं उस एजेंडे को पंचर करता रहता हूँ, नहीं नहीं जवाब दो, हालांकि उनके नहीं देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चुनाव जीतते रहते हैं, अच्छी बात है, तो हमें भी फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं पूछता रहता हूँ, मैं हारता रहता हूँ, इसमें क्या है? तो इसमें लेफ्टिस्ट के एजेंडा नहीं है। अब देखिए कि अगर आप पूछ रहे हैं कि भाई 2016 में 6000 करोड़ रुपया आपने टेक्सटाइल का पैकेज दिया, सीरियस बात है, पूछ दिया, तो इसमें लेफ्टिस्ट का क्या एजेंडा? आप भी तो डंडा पीट रहे थे ढोलक, अरे बड़ा भारी कदम उठा लिया है, पैकेज आ गया, ये आ गया है, वो आ गया है, इकोनॉमी 4.2 का कोई बात हो रहा था, 4.0 की बात हो रही थी, ये सब क्या कहाँ चला गया पता नहीं। तो इसमें लेफ्टिस्ट का क्या है? छोटी मोटी चीजें होती रहती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, आपने खुद ही कहा, आपने इतने सवाल पूछे, आए तो मोदी जी ही ना, आगे तो कोई बात नहीं, तो फिर गलती हुई ना आपसे? नहीं, मेरी गलती नहीं है। जवाब आता तो जनता देखती, अब जनता को उन्होंने जवाब ही नहीं दिया तो उसमें क्या है? जनता ने नेता को चुनना अलग बात है, मैं चुनाव में थोड़ी उनके सामने, जब मैं उनके सामने होऊंगा होता तो अलग बात होती है कि नहीं? अच्छा, मैं तो उनके चुनाव में उनके सामने हूं नहीं, तो मैं कैसे हार गया? आप सवाल पूछते हैं, मैं मान लिया आप सवाल पूछते हैं, सब कोई सवाल पूछता है, मैं ही थोड़ी अकेला इस शहर में पूछता हूं। हाँ, लेकिन दूसरा चैनल है, इतने अच्छे अच्छे चैनल है, पाकिस्तान पे सवाल पूछते हैं, हिंदू मुसलमान पे सवाल पूछते हैं, हिंदू खतरे पे सवाल पूछते हैं, आप ना 9 बजे लगे रहते हैं इकॉनमी के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, एनसेफिलाइटिस के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, नहीं क्या 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 मतलब है ऐसे सवाल पूछ के, क्या मतलब है आपका? अब भाई क्या करें, अब सारे लोग यहाँ पे सारे वो रेलवे के लड़के हैं ग्रुप डी वाले, उनके फोटो के नाम पे लाखों लोगों का फॉर्म डिस्कनेक्ट कर दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया, अब दिन रात भैया, तो कभी चाचा, कभी अंकल, कभी पापा भी लिख देते हैं, तो मैं क्या करूं, मैं उनकी तरफ से बोल देता हूं, तो मैं क्या करूं, ये सारे उन्हीं के वोटर हैं। अरे लेकिन बड़े मुद्दे भी तो हैं। नहीं नहीं, ये सारे बड़े मुद्दे हैं, वो फर्जी मुद्दों के चक्कर में नहीं पड़ने वाला भैया, ये जो नेशनल सिलेबस लॉन्च होता है ना दिन रात घुमा फिरा के हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो हिंदू राष्ट्र में देखिए बच्चों का हालत क्या लग रहा है, आप मेरा पढ़ लीजिए, हमारे तो बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े वोटर हैं, मोदी जी के वोटर हैं, जो देने वाले नौजवान है, उन्हीं की हालत खराब है, उन्हीं की हालत खराब है, वो अपने लिए उस जिस मीडिया में दिन भर अपने नेता को देखते हैं और वो नेता उनके वोट से है, उस मीडिया में वो अपने लिए एक मिनट का जगह नहीं बना पा रहे हैं। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हर स्ट्राइक चल रहा है, आप देखिए कितने कितने गोदी मीडिया के चैनलों पर कवरेज होता है, वो सारे गोदी मीडिया के दर्शक हैं, लेकिन वो आते मेरे पास हैं, मेरे पास आते हैं, वोट उनको देते हैं, आते मेरे पास है, ये अच्छा डील है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो वोट देके वो भूल जाते हैं, लेकिन आते मेरे पास है कि भैया तुम जरा मेरी बात उठा दो, मैं बात उठा देता हूँ। नेता टाइप बात कर रहे हैं, ये नेता टाइप बात कर रहे हैं, रवि जी बता दीजिए, काम है भाई, यही मेरा काम, बता दीजिए, मैंने है फ्यूचर में भक्त साहब, देखिए ऐसा है कि एजेंडा है, बता दीजिए, नहीं वो मेरा कोई एजेंडा नहीं, वो चिंता मत कीजिए, अच्छा वो चिंता उतना मत डरा कीजिए मुझसे कि कोई फ्यूचर में कोई एजेंडा होगा, नहीं हम डरने की बात, आइए लेगा हिंदुस्तान के नौजवानों, आ जाओ मेरे साथ, आइए आइए। अच्छा हम आपको समझ नहीं पाते हैं, और हमने सोचा कि आज हम बहुत पेशेंस लेके आए, आज हमने सोचा एकदम ना नो शाउटिंग, एकदम धैर्य से बात करेंगे आपसे हम। हाँ कीजिए कीजिए, समझ में ये नहीं आता है कि आप लोग भी कभी कभी धैर्य से बात कीजिए। अच्छा तो अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि आपके पास नौजवान आते हैं प्रॉब्लम लेके, उधर आप लोगों को कहते हो टीवी मत देखो प्राइम टाइम पे, अरे तो क्या देखें, व्हाट्सएप देखें? नहीं साहब, देखिए क्या है कि आप लोगों के चक्कर में पड़ के जो न्यूज एंकर क्या कर रहे हैं ना, कि वो ठीक है मोदी जी चुनाव जीतते रहते हैं, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है, नेता का चुनाव जीतना, कोई 15 साल जीता है इस देश में, कोई 30 साल भी जीता है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन बड़े नेता हैं इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी जाहिर सी बात है, लेकिन ये जो आप टीवी वाले जो ये काम कर रहे हो ना, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। कोई छोटा सा आदमी कोई सवाल पूछ दे रहा है, आप उसको कह रहे एंटी नेशनल बोलते हो आप, है ना, आप उसको बोलते हो ये पाकिस्तान का यार है, आप बोलते हो गद्दार है, तो अपने देशवासियों पे इस तरह से दिन रात जो शक करता है ना, वो बीमार लोग होता है, तो आप हो गए हो बीमार, तो अपना कराओ इलाज, ठीक है। ये मोदी जी के सपोर्ट को लेके इधर बैठ के और इधर आप जो अब दिन रात ये जो आतंक मचाए हुए हो ना, ये थोड़ा कम करो, रिलैक्स रहो, पावर मिला है थोड़ा रसगुल्ला खाया करो, थोड़ा काम भी किया करो, उन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया है, स्वच्छता में दिन रात झाड़ू लेके सफाई करो, क्योंकि वो सिस्टम तो बना नहीं पाए स्वच्छता का, अब वो चाहते हैं आप ही करो, तो आप लोग क्यों नहीं जाके स्वच्छता कर, तो इतने सारे शहर में कूड़ा कचरा का ढेर है, उसको साफ करो, आप बैठ के दिन रात मेरे पीछे लगे रहते हो, हम सफाई करो, ये भी तो सफाई है, ये भी तो सफाई है, कौन सी सफाई, ये भी तो सफाई है, अरे मुझे बाद में साफ कर लेना, पहले कचरा तो साफ कर लो। अच्छा एक बात बताइए, इतने सालों से आपने सवाल पूछे हैं,
तो कौन सा इम्पैक्ट आया है? नहीं, इतने पूछा आता है, आता है, आप बताइए। नहीं, गलत बात, आता है। देखिए, एसएससी वालों से मैं करता रहा है ना, उनको सबको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ा। बिहार में बीपीएससी का रिजल्ट निकला, 2014 से रिजल्ट नहीं निकल रहा। जब मैंने बुलाया हार्वर्ड वालों को और ऑक्सफोर्ड वालों को कि भाई तुम कुछ ढंग का रिसर्च तो कर नहीं रहो, इधर इंडिया और देखो कि किस तरह से 4 लाख नौजवानों को, 5 लाख नौजवानों को एक कॉलेज में बंद करके 3 साल का बीए 6 साल में कराया जाता है और उस नौजवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ इधर आके रिसर्च करो। तो उधर की सरकार पे थोड़ी शर्मिंदगी हुई तो उसने सबका रिजल्ट रिजल्ट निकाल दिया। छोटा मोटा असर होता है, नहीं भी होता है तो क्या, यही असर है कि लाखों लोगों ने ये कहा कि भाई हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं सबकी तो नहीं सुन पाता हूँ, मेरी उतनी क्षमता नहीं है भक्त बाबू, वो तो क्षमता आपको दी गई है, आप तो सुनते नहीं हो। वो तो सिर्फ मोदी, आप सुबह से लेके शाम तक डंडा लेके बैठे रहते हो कि कौन पूछ रहा है आज शहर में। रवि जी देखिए, हम लेकिन हमें मौका दीजिए बोलने के लिए, हमें हम सुन रहे हैं। भक्तों को भी मौका चाहिए तो ले लीजिए भाई मौका, ट्विटर है, आप ही का टीवी है, मौका है ले लीजिए। जनता का है जी, जनता का है, जनता का। तो मैं देख रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये सारी चीजें की, मैं मानता हूं कि देखिए देश में छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया जिससे रवीश बाबू इतने दुखी हो गए हैं? अरे ऐसा मैंने कौन सा बड़ा, अच्छा एक बता, पिछले 5 सालों में ऐसा कौन सा दिल दहला देने वाला आपने स्टोरी कवर किया है जिसके वजह से हमें बहुत चिंतित होना चाहिए? ऐसा भी क्या हो गया, आप बताइए। भक्त साहब, तो अपने नेता लोगों से पूछिए कि अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो इतना डरते क्यों है मुझसे? नहीं तो भी आप बताइए ना, आपने कौन सा ना, ऐसा क्या सवाल अपने नेताओं से पूछिए कि तुम लोग इतने रवीश कुमार से डरते क्यों, उसके शो में जाते क्यों नहीं हो, जाया करो। अब 5 साल हो गया, बहुत दिन हो गया, 2016 से नहीं आ रहे हो, दूसरे चैनलों में जाके प्रैक्टिस भी कर लिए, अब तो बहुत नेट प्रैक्टिस कर लिए, अब असली मैच खेलने आ जाओ, आओ। अच्छा आप तो हम क्या कर लेंगे, हम कोई a² + b² का गलत फॉर्मूला तो नहीं बताएंगे? आप जनगण मन पूछ लेंगे, है ना? वो भी नहीं पूछूंगा, एक जेन्युइन सवाल है, बहुत सभ्यता के साथ, शालीनता के साथ पूछूंगा। अब वो अपना भड़बड़ाते रहेंगे लेकिन हम अपना पूछते रहेंगे। अच्छा आप डर की बात कर रहे हो, आजकल मॉर्निंग वॉक वगैरह आप कर रहे हो? पिछले बार मॉर्निंग वॉक आपने किरण बेदी जी के साथ किया था, उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक वगैरह नहीं करते हो, क्या बात है? मैं योगा वाला आदमी हूँ भाई इसमें, और मॉर्निंग वॉक का उतना टाइम नहीं मिलता है तो वो हो नहीं पाता है। बड़ा चाट मामला है, सुबह करना चाहिए लोगों को, सुबह सुबह जाइए, दिन भर हाय हेलो गुड मॉर्निंग, लगता है कि फिर से सुबह ही से ऑफिस शुरू हो गया टाइप से। अच्छा तो ये अच्छा, अपना योगा एकांत में करो अपना, ठीक है? मैंने अब शांति चक्रासन, चक्रासन करो क्या करो? तो देखिए अब ये देखिए, योगा, मोदी जी इसका मतलब है, आप फॉलो करते हैं मोदी जी की बात को? नहीं, यही तो आप, यही तो आपकी कमी है भक्त साहब, धीरे धीरे आपको भी हृदय परिवर्तन होगा। आप ये मत कह देना कि योग का आविष्कार मोदी जी ने किया है, पॉपुलराइज तो मोदी जी ने किया। अरे ये कौन कहता है, भर में मोदी जी ने किया ना। आपको एक फिल्म का नाम बताता हूँ, अमेरिका की एक फिल्म है अमेरिकी प्रेसिडेंट पे, ठीक है, 1960 के दशक की फिल्म है, तो उसमें उसका जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार का जो दोस्त है बिजनेसमैन, वो टीवी देख रहा है और उस टीवी में गुड मॉर्निंग अमेरिका नाम का प्रोग्राम है, उसमें योगा चल रहा है, ठीक है ना? ठीक है। तो अभी बहुत जगह दुनिया के कई देशों में मुंगेर स्कूल ऑफ योगा है, आयंगार स्कूल ऑफ योगा है, इन लोगों ने बहुत पापड़ बेले, बड़ी मेहनत की है, तो इनका श्रेय आप ना लें मोदी जी के चलते। मोदी जी कुछ अच्छा काम भी किए होंगे, आप उनको उन कामों का श्रेय दे दीजिए, पर योगा का श्रेय उन्हें ना दें तो ठीक रहेगा। अच्छा श्रेय से याद आया, आजकल मैं देख रहा हूँ आप चैनल तो सीरियस चैनल, एक योग का ढंग का कोई पोस्चर नहीं कर पाते हैं, तो उसमें योगा को क्या पॉपुलराइज कर रहे हैं, क्या है? अच्छा ठीक है, ठीक है, वो देखेंगे हम, शासन करके दिखाएं नेहरू जी की तरह। अरे आप कहां चले जाते हैं, आप सुनिए सुनिए भाई ना, अरे सुनिए शासन कीजिए ना, अरे कहां कीजिए ना शासन, मजा आएगा। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये सब छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सीरियस पत्रकारिता करते हैं, आप क्रेडिट की बात कर रहे हैं, आजकल तो आप सटायर की नौकरी खाने, आप मीम आर्टिस्ट बुलाते रहते हैं, आप स्क्रीन अंधेरा करके जर्नलिज्म कर रही है, कहाँ पत्रकारिता हो रही है, ये थोड़ा सीरियस काम करिए। ये सब सब सीरियस है, ये सब सीरियस है। देखिए भक्त बाबू, आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग बहुत नुकसान कर रहे हैं समाज का और देश का भी, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा समझ में आने का। मतलब समझ में आने का मतलब ये नहीं है कि कई लोग सोचते हैं कि अच्छा मोदी जी हार जाएंगे, वो मैं नहीं, उतना दूर तक मैं नहीं सोचता, लेकिन टाइम लगता है। बहुत सारा a² + b² का जो गलत फॉर्मूला जो उन्होंने कहीं बोला था, है ना, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना।
तो अभी तो आप लोग न्यूटन से झगड़ रहे हो, कभी आप लोग किसी और चीज से लड़ जा रहे हो, देखो कितने लोग राम के वंशज आ गए बताइए इस देश में, कुछ भी कर देते हो आप लोग। तो इसलिए आप जो भक्त लोगों का जो पूरा पैमाना बना हुआ है ना, थोड़ा ठीक होइए आप लोग, आपसे ये उम्मीद की जाती है, थोड़ी भाषा ठीक कर लीजिए अपनी। अरे वो होगा, हाँ, अरे हम इमोशनल लोग हैं, हम इमोशनल लोग हैं, आप लोग इमोशनल लोग नहीं हो, मैं बता रहा हूँ, आप लोग इमोशनल लोग नहीं हो, आप लोग जो काम कर रहे हो ना वो ठीक काम नहीं है। देखिए आप ना, हाँ, आप एलिगेशन बहुत, ये जो चश्मा, ये कंठी, भगवान जी के पास जाया कीजिए ना तो चश्मा उतार दीजिएगा काला वाला, हाँ तो कंठी चलेगा, हाँ तो भगवान जी के सामने उतारेंगे ना, हम तो आपके सामने बैठे हैं। अच्छा सुनिए 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 मेरी बात सुनिए, ये सब बातें तो हो गई, थोड़ी सी डेप्थ की बातें कर लेते हैं। आप ऑनेस्टली बताइए, हाँ ऑनेस्ट, नेशन वांट्स टू नो, कौन सा नेशन, किधर वाले का नेशन वांट्स टू नो? अरे देखिए आप उधर से आए क्या भक्त बाबू? अरे देखिए आप उधर से आए हो तो बता दो। अरे सब लोग देखते हैं। अच्छा देखिए सब लोग देखते हैं, मोदी जी आए वापस पावर में, मोदी जी आए वापस आए तो ऐसा क्या हो गया, इतना बड़ा मेजोरिटी, 3 महीना हो गया इलेक्शन रिजल्ट आए हुए, ये जो लिबरल फोर्सेज है इनको समझ में आया कि हुआ क्या? नहीं नहीं, उनको जरूर समझ में आया होगा, ऐसी बात नहीं, निष्कर्ष निकाले हैं अभी तक? नहीं नहीं, वो पता नहीं आप जिन फोर्सेस की बात कर रहे हैं, हर किसी को समझ में आता है पर उनको मालूम नहीं है कि क्या हुआ है। किसी को चुनाव की असली कहानी तो मालूम नहीं है, है ना? किसी को ये असली कहानी मालूम तो नहीं था कि कलकत्ता से किसने कुछ दिनों के भीतर कुछ कई 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, किन किन लोगों ने पैसा दिया, है ना? जनता ने तो मालूम नहीं है, चुनाव की असली कहानी नहीं मालूम है भक्त बाबू, रिजल्ट मालूम है। जनता ने वोट दिया कि नहीं दिया? हाँ हाँ, जनता ने क्यों नहीं वोट दिया चुनाव की? लेकिन वो सिर्फ वोट देना चुनाव की कहानी नहीं, क्यों दिया जनता ने वोट? जनता ने बहुत तरह के फैक्टर होते हैं, बहुत तरह के फैक्टर होते हैं। फेयर नहीं था आप कहना चाहते? नहीं नहीं नहीं, ये आप घुमा के, अच्छा अच्छा चलिए फेयर की बात। हाँ फेयर ही था, तो क्या है? अब ये जो नया शुरू हो गया है कि नई नई सरकार बहुत ताकतवर हो गई है, है? अरे भाई देखिए सिंपल, हमें तो भैया देखिए हम बहुत सिंपल आदमी हैं, हमें समझ में आया सरकार को लोगों ने चुना, इतने मेजोरिटी से चुना, अब मेजोरिटी जो चाहती है सरकार करेगी, अब सरकार वो कर रही है, तो ऐसी परिभाषा तो हमने कोई कभी सुनी नहीं कि आप जो चाहें वही करने के लिए सरकार है। अरे तो जनता ने चुना है सरकार जो को। जनता ने चुना है तो जनता ने ये नहीं कहा कि आप आंख कान बंद करके शासन करने लगे, ये नहीं कहा जनता ने ये कहा? कहा वोट देने का मतलब थोड़ी है कि जनता कह रही है कि आप किसी चीज का पालन ना करें, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम तरह की अदालतों के फैसले चरमराते हुए दिखने लगे, है ना, CBI से लेकर ED तक दिन रात विपक्ष के घरों के आसपास घूमते रहे, और आपके यहाँ का जो पैसे का जो पूरा अंबार चल रहा है, सारा इस तरह से राजनीति पैसे वाले की हो रही है, उसको ना देखें। जनता ने ये नहीं कहा भक्त बाबू, जनता ने वोट दिया है, जनता ने ये नहीं कहा कि आके हमारी जिंदगी में हाहाकार मचा दीजिए, तो विपक्ष को बोलने दीजिए, आप क्यों बोल रहे हैं? विपक्ष को आप नहीं बोलने देंगे? आपको पता है भक्त बाबू, आप अखबार उठा के देखो विपक्ष का चुनाव के दौरान कितना स्पेस मिला था, देखो आप उन्हीं न्यूज चैनलों में जाकर देखो कि इलेक्शन के दिन क्या होता था, जिस दिन मतदान होता था तो हमारे मोदी जी कहाँ चले जाते थे? केदारनाथ TV पे कवरेज कराने के लिए, और उनका पुराना घंटों घंटों का इंटरव्यू चलता था। क्या उस दिन विपक्ष के नेता का इंटरव्यू चलता था? आप किस देश में रहते हो भक्त बाबू, थोड़ा आंख खोलो, चुनाव जीतना ही सबसे बड़ा सब कारण नहीं होता है। अच्छा चुनाव जीतने के लिए तो फिर तो आप तो 100 कारणों से इस देश में चुनाव जीत सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात? अच्छा ठीक है चलिए, चुनाव हो गया मान लिया, ठीक है मान लिया, तो ठीक है मान लीजिए चुनाव हो गया। अब ये धारा 370, अरे इतना बड़ा मूव किया है, मास्टर स्ट्रोक किया है कश्मीर में, इसको भी लेके कि नहीं संविधान को लेके, इसको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की क्यों नहीं बात होनी चाहिए? क्यों नहीं बात होनी चाहिए? अगर किसी ने दूसरा मत रख ही दिया उसमें तकलीफ क्या है भक्त बाबू, बताइए जरा सा, क्यों डरते क्यों आप उससे? आप तो अंत में तो कर ही रहे हो अपने मन की बात ना, कर ही रहे हो आप, पार्लियामेंट में खड़ा होकर लोहिया को गलत कोट कर रहे हो, पटेल को गलत कोट कर रहे हो, जब आप इतने सत्य के साथ खड़े हो भक्त बाबू तो झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे इतने लोगों ने तो सपोर्ट किया है केजरीवाल ने, हर सवाल का जवाब केजरीवाल, इसका सपोर्ट उसका सपोर्ट नहीं है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप संसद में खड़ा होकर आप बताओ ना, बताते नहीं हो फिर कहते हो कि हाँ सब सपोर्ट करते, सपोर्ट तो आपको है ही, हाँ वो क्या है, वो तो गिवन चीज है। अच्छा बताइए, अच्छा आपने क्यों गलत कोट किया, आपने ऐसा क्यों क्यों कहा कि जो लोहिया को ही लेके लोग सवाल उठाने लगे कि आपने लोहिया को सही नहीं बोला, आपने पटेल की बात कह दी और वहां तो डिक्टेट करने लगे कि सदन की कार्यवाही में पटेल की बात लिखी जाए?
अब देखिए कमाल है साहब, अब देखिए रवीश जी, देखिए एक बात है कि हमारा देश काफी बट रहा था, आप भी जानते हो कहाँ बट रहा था, टुकड़े टुकड़े मार्केट गैंग, बहुत बहुत ये सब फालतू चीजें, देखिए सब फालतू चीजें, ये सब न्यूज चैनल को दिया गया खुराक है कि लेके इनमें बिजी हो। देखिए मोदी जी करने की कोशिश, मार्केट क्या गैंग होता है जरा, उन्हीं के पार्टी के आधे नेता उधर लंच कॉफी पीते रहते हैं पता है, तो आज पावर में ना। अच्छा सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए मोदी जी अभी कर रहे हैं कि वन नेशन है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन नेशन, इंडिया हमेशा से था, कब से नहीं था, वन फ्लैग वन, तो सेंट्रलाइजेशन से था, तो कहां नागालैंड में तो अलग झंडा फहरा रहे, तो अरे तो कोशिश तो कर रहे सेंट्रलाइज करने की, तो देश वहां कोशिश कर रहे हैं क्या नागालैंड में, वो तो कह रहे हैं वहां नहीं कुछ करेंगे, ये वन नेशन तो हम हमेशा ही रहे हैं, कब नहीं थे वन नेशन, अब वो झंडा कश्मीर में, कश्मीर में झंडा था तो झंडा था, तो वो तो उसका उसका प्रोविजन था उसमें था, वहां ऐसा तो नहीं था कि तिरंगा नहीं लहराता था, तिरंगा लहराता था भाई, ऐसी बात नहीं है कि वहां कोई, तो आपको लगता है कि देश और इकट्ठा नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नहीं, सेंटर, वो तो खुद ही आए थे सरकार में, तो देखिए कॉपरेटिव फेडरलिज्म पे कितना भाषण देते थे, आजकल नहीं दे रहे हैं आप लोग भाषण कॉपरेटिव फेडरलिज्म पे, आप जब सरकार में आए थे तो अरुण जेटली से लेके उनका पूछिए जा रहा, उनका ही बहुत सारा भाषण है ना यही। अच्छा अच्छा सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, इतना कंट्रोवर्सी, इतने सारे चैनल के एंकर हैं, अब मैं नाम हम क्या लूं हमारे, नहीं नहीं नाम ले लिए तो क्या फर्क पड़ता है, सुधीर जी हैं और नाम जी हैं, उनकी तरह थोड़ा सा मैंने जिंदगी और अच्छी होती सब काहे इतना, हाँ जिंदगी तो अच्छी होती है, हम भी पीएम के सामने बैठे होते, चैनल खुश, एंकर खुश, लोग खुश, सब खुश है वहाँ, है कि नहीं, देखिए हाँ वो ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई देखिए ऐसा है भक्त बाबू, क्या है कि वैसे भी आपको कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो क्या है कि कभी शर्मिंदा ना होना पड़े कि कोई इस देश में सवाल नहीं कर रहे थे, हालांकि हम ही नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वो थोड़ा हिसाब बैलेंस किए हुए, बट रवि जी देखिए है ना, तो जैसे आप शुरू किए थे ना फकीरी वाला, आप देखो सवालों की क्या मर्यादा रह गई, क्या जनता ने उसको भी अप्रूव किया है, नहीं उसको अप्रूव नहीं किया है, उसी जनता ने जिसने मोदी को वोट दिया है, मैं नहीं मानता कि इन लोगों की पत्रकारिता को वो जनता अप्रूव करती है, वो हंसती है दुखी है, वो क्या करे, वो तो एक नेता को वोट देने जा रही है, वो उसका अलग कंसिडरेशन है, लेकिन ये मीडिया का हाल देखे वो भी शर्मिंदा है, जो मोदी के सपोर्टर है वो भी शर्मिंदा है, तो ये आप मेरे को ये गोली मत देना, ये टीआरपी वीआरपी वाला कि सब लोग उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, बट टीआरपी तो आप इतना देख तो रहे हैं, टीआरपी तो किंग है, देख रहे होंगे, देख रहे होंगे, हम को भी देखते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं देखते हैं, वो मीटर 20,000 मीटर का लेकर कितना देर तक घुमाते रहोगे गलियों में आप, उधर भी बहुत सारा खेल होने लगा है। अच्छा रवि जी ऑनेस्टली एक बात बताइए, देखिए अभी तो विपक्ष तो है नहीं, ये बात आइए पूछिए कि क्यों नहीं है, इस देश में पहले भी लोग अच्छा, पावर में रहते हुए विपक्ष को तोड़ा गया है ना, पहले भी तोड़ा गया, आज भी तोड़ा जा रहा है, ये जितने भी करप्ट नेता हैं जो राष्ट्रवाद कभी 370 के नाम पे बहाना बना बना के बीजेपी में जाके मिल रहे हैं, आंध्र प्रदेश वाले जो नेता जिनके खिलाफ ईडी का छापा पड़ा था और ये सब हुआ था, खुद हेमंत विश्वास शर्मा, पुराना अखबार गूगल करो ना भाई, निकलेगा उधर, तो ये जिन पे भी आरोप लगता है, मुकुल रॉय, वो सब बीजेपी में चले जाते हैं, तो बीजेपी में अब कहानी बनने लगी है कि जिसके पास भी अपने आप को फाइल से बन जाती है बचाने के लिए बीजेपी में चला जाता है, तो ये भी फैक्टर जरा ध्यान में रखिए कि विपक्ष को किन किन स्तर पर खत्म किया जा रहा है, लेकिन वो तो चलिए वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मीडिया जिस तरह से विपक्ष को खत्म कर रहा है ना, वो ज्यादा चिंता वाली बात है, लेकिन अगर इसको सीरियस हो जाओ भक्त बाबू, एक दिन आपको भी पॉलिटिक्स में मजा नहीं आएगा, सब पता चलेगा कि आपकी पार्टी में दूसरी पार्टी वाले आके यही कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, अभी तो आप थोड़े अलग लग रहे हो, लेकिन सारे दूसरे पार्टी वाले भी यही कुर्ता पहन के लग जाए तो लगेगा कि यार चलो हम दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, अरे आप कोई कोई नहीं पूछेगा, अरे बीजेपी के नेताओं को कोई नहीं पूछ रहा है, हम तो सेवक हम तो सेवक है, क्या बात, हम तो सेवक है, लेकिन एक बात बताइए, ट्विटर पे आप लोग गाली वाले देते हो ना, इसको जरा ठीक करो, ये इसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, अलग ओपिनियन रखो इसमें, वो ठीक बात है, लेकिन ये गाली वाली मत दिया, नहीं हम नहीं देते हैं, लेकिन हाँ हाँ सब बहुत लोग देता है, आप लोग बहुत दे रहे हो, ये ठीक बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये कह रहा था कि आप जो ये सब कह रहे हो विपक्ष में चले विपक्ष चले जाता है फाइल खुल जाती है, लेकिन तो ये गलती कहां हुई है, हमारी गलती है या ये तुम्हारी गांधी फैमिली की गलती है, हैं? अरे उनका भी तो रोल था ना, अब वो भी डील करें, वो भी सोशल मीडिया करें, वो भी फाइल बनाए, क्यों नहीं बनाए, अब पावर का डायनेमिक्स बदल गया है भक्त बाबू, थोड़ा इनोसेंट कम बनी है, ये मामला हम सीरियस दौर में पहुंच गए हैं, ये हंसी मजाक की चीज़ नहीं है, ठीक है,
उसी रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए कितने लोग पर अपनी परेशानियां लिखते हैं भाई साहब, जवाब तक नहीं देते हैं। और एक कोई मार हो रही होगी तो एक को उसको नैपी पहुंचा के दिन भर वाहवाही लूट लेते हैं, उसके अलावा वो कोई जवाब नहीं देते हैं। देखिएगा जरा सर, देखिए बुलेट ट्रेन आएगा ना, तो उधर देखिए कि ये सोशल मीडिया का जो पूरा ड्रामा किया गया है तो कितना पब्लिक का जवाब मिल रहा है, पब्लिक की जो बुनियादी समस्याएं लड़के लिख रहे हैं उसका जवाब नहीं देते हैं वो। हजारों टाइमलाइन पे मिलेगा रेल मंत्री का ग्रुप डी को लेके, अब थोड़े ना कोई जवाब करेंगे सारे, तो कोई जवाब दो ना भाई, अगर आपने हैंडल बनाया हुआ है तो जवाब दो, जनता परेशान है आपके पास आ गई है तो जवाब दो कि भाई हम तुम्हारा फोटो का मामला नहीं सुलटाएंगे, ये फाइनल हो गया, दे दो जवाब, तो जवाब ही नहीं देते आप, तो जनता जब पूछ रही है तो जवाब नहीं देते हैं। अच्छा एक मिनट रवीश, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए सबकी अपनी अपनी, सबका फाइल होता है, सबका इशू होता है, रवीश न्यूट्रल है एकदम, सबसे ज्यादा रवीश। मैं कहां कह रहा हूं कि मैं ही दुनिया का सबसे ये हूं, है ना, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, रवीश आप सत्ता में हो, है ना, तो आप सत्ता में हो तो मेरे से ज्यादा जवाबदेही आपकी है, मेरे से सवाल मत करो आप, हम आपसे सवाल करेंगे तो आप देखो कि मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, और अगर जवाब नहीं दे रहा तो आप थोड़ा डरा करो, किसी दिन आपको भी पूछने की जरूरत होगी, बताऊं कब पूछने की जरूरत पड़ेगी, जब आप ये जब फर्जीवाड़े जब सरकारी अस्पताल में जाओगे ना, अभी जो बीमा का जो चल रहा है और उसके तहत जब डॉक्टर नहीं मिलेगा और इलाज नहीं होगा और कोई मर जाएगा घर में, तो आओगे और फिर पूछने के लिए कि भाई कोई मीडिया वाला है जो इसका इलाज हम प्रधानमंत्री तक को बताएं, तो अपनी ही सरकार को कभी कभी बतानी पड़ती है बात, समझ लो आप ये आप समझा करो कि कहां लेके जा रहे हो आप देश को। नहीं नहीं, ये जो आप ये चैनल वाले खड़े हो जाते हैं ना रोज रात को, अरे कौन पूछा, ये कौन पूछा, हमारी गवर्नमेंट सबसे अच्छी, ये कोई पत्रकारिता है, बड़ा दुखी है मोदी का वोटर भी, ये किस टाइप का जर्नलिज्म है भाई। रवि जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं सवाल पूछना चाहिए। अरे भक्त हो गए, मेरे से क्यों सहमत होते हो यार, मैं अरे भक्त सही पे सहमत हो सकता है, क्या बात, अरे यार सहमत हो गया तो फिर ठीक है, तो लड़ाई खत्म हो गई, अब मेरी पार्टी में आ जाओ। असहमति इस बात पे है रवि जी, आपने ही बोला अपने शो में राष्ट्रवाद के नाम पर उमाड बनाया जा रहा है, तो ये सही बात है। अरे तो नहीं एक मिनट, हम नेशनलिस्ट हैं तो नेशनलिज्म में क्या प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं नहीं हम क्या है अलग से, सब हैं, हाँ तो है ना, प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रॉब्लम पूछते हैं तो आप नेशनलिस्ट करने लगते हो, जब भी समस्या लेके आते हैं तो आप सोचते हो कि ये कोई साबुन की टिकिया, इसे नहला दो फिर चला जाएगा बंदा खुश होके, हर चीज में ना ये राष्ट्रवाद करना, इसका कुछ खतरा का कुछ पॉइंट भी समझा करो, ये लॉजिक का एंड नहीं है कि आप राष्ट्रवाद हैं तो आप सबसे ज्यादा महान हो गए दुनिया के, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, 200 साल पहले 300 साल पहले से ये सब रटना शुरू कर रहे हैं लोग, है ना, तो ये आप जो नई है ये सब नेशनलिज्म का जो ड्रामा है जो आज के फॉर्म में जिस मॉडर्न फॉर्म में है तो कितना साल पुराना है, मानव सभ्यताएं उससे भी बड़ी चीजें होती हैं, बहुत बड़ी चीज होती है, तो आप उसको उसका थोड़ा सा ध्यान में रखो, तो ये उन्माद फैला रहे थे उस कॉकटेल है समझा करो, उसमें कम्युनलिज्म है, उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप समझा करो, आप लोगों के दिमाग को प्रोग्राम कर दिया गया है गलत फर्जी बातों से, अब जब सही बात बता देता हूं तो आपका वो उसमें करप्शन आने लगता है, एनक्रिप्टेड कोड जो है ना वो बीप बीप करने लगता है तो आप गुस्सा जाते हो, उसमें पूरा आंख आपका लाल हो जाता है, हूं जलने लगता है, ठीक, अरे उसको लगता है कि यार हम तो रोबोट बन गए थे, ये मुझसे सवाल पूछ रहा है, ये सही वाला ये कहां से डेटा आ गया, ये है ना वो वाला बात है, आप कह रहे हो कि सब गलत है, इंडिया में सब गलत है, मैंने कभी नहीं कहा कि इंडिया में सब गलत है, मैं एक पॉइंट उठा रहा हूं, मैं उसका बोलता हूं ये गलत है, इसका मतलब नहीं कि मैं पूरे ब्रह्मांड को खारिज कर रहा हूं, ब्रह्मांड देखिए ना, रशिया ऐसा मैं क्यों कहूं, अमेरिका तुर्की, अब तो बोरिस हमारा इंग्लैंड में भी आ गया, अगर ये हम गलत को सही ठहराने के लिए दुनिया का उदाहरण ढूंढ रहे हैं, यहाँ का उदाहरण ढूंढ रहे हैं, पूरे दुनिया में फैल रहा है, हाँ तो राइट विंग फैलता रहे, उसमें राइट विंग तो पहले से ही फैला हुआ है, जो पूरी इकोनॉमी है वो कौन सी विंग की इकोनॉमी, आप देखो ना, आप देखो, आप ये देखिए कि क्या है, अगर आप मान लीजिए लेके आए हमारा आपका भक्त बाबू छोड़ दो, इधर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने स्पिनिंग इंडस्ट्री ने विज्ञापन दिया इंडियन एक्सप्रेस में कि हम लोगों की हालत खराब हो गई है, हिस्टोरिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई, किसी ने करवाया होगा, किसी ने कैसे करवा दिया होगा, पप्पू ने करवाया होगा, पप्पू ने नहीं कराया भाई, गप्पू ने भी नहीं कराया, पप्पू गप्पू के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन आप देखो कि उनकी क्या हालत हो गई, वो इंडस्ट्री के मालिक हैं, उनकी न्यूज को कोई दिखा नहीं रहा, विज्ञापन देना पड़ रहा अपने क्राइसिस के लिए, ये क्या बात, ये हमने यहाँ रखा, ये क्या बात हुई, असली बात, अब लगता है डंडा निकालने वाले, असली बात पे आ जाते हैं रवीश जी, ये सब सवाल सब ठीक है, सपोर्ट हमारा भक्ति एक ही वजह से है, आज हिंदू खतरे में नहीं है,
इस बात से आप सहमत हो? हिंदू खतरे में कभी भी नहीं था, हिंदू क्यों खतरे में रहेगा? ले कब से खतरे में आ गया हिंदू बताइए जरा से, हिंदू को क्या हो गया है? बचाए हैं वो ना? इस देश में जो भी रहते हैं वो इस देश के नागरिक हैं, उनमें से कोई खतरे में नहीं है। ये आप लोग अलग से उठा गए हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, ये ड्रामा यही है। अब राष्ट्रवाद तो अभी आप पूछे है? अब आप आ गए हिंदू खतरे में है ना, हिंदू खतरे में नहीं, आप खतरे में हो। आप जब खतरे में पड़ जाते हो तो चिल्लाने लगते हो हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, उसको भी बचाओ हमको भी बचाओ। तो इसीलिए आप अपने खतरे को हिंदू का खतरा मत बोला करो, बाकी सब हिंदू सेटल हैं, अपने अपने काम में मस्त हैं, सब खुश है। मैंने ये इतना जो सपोर्ट है, नहीं, तो क्यों है, क्यों सपोर्ट है? अरे उसको, अरे भाई हिंदू अपने आप को महसूस कर रहा था ना सारे में? उनके दिए गए वोट को आप हिंदू क्यों कह रहे हो? आपको पता है कि सिलाई मशीन बांट रहे हैं अल्पसंख्यक आयोग की तरफ, मुस्लिम महिलाओं को बुला के, इसको बुला के, है ना? तो उनको वोट देने वाले लोग खाली हिंदू लोग नहीं है, ऐसा मत कहिए आप, ना समझेंगे। अरे बंद करो यार इंटरव्यू। अच्छा सुनो, हम एक और चीज पता करेंगे रवीश जी से, अभी देखते हैं, अभी हम रैपिड फायर करेंगे। अभी पहले आईटी सेल का कितना पैसा लगता है, कितना पैसा मिलता है, ये सब बताओ। भक्त है हम, कोई आईटी सेल नहीं है, क्या बात, खुद करते हैं, पूरी भक्ति है हमारी। ये पैसा टाइम कहां से लाते हैं ये बताओ, बताओ बताओ। अरे बंद करो बंद करो, अभी अभी रैपिड फायर करेंगे, बनर्जी को पकड़ो जरा से, रैपिड फायर करेंगे, पकड़ो ये बनर्जी बाबू। अरे अभी रुको, अभी आते हैं।